गुड मॉर्निंग, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और खाना वाना सब हो गया है क्या? बोला हेलमेट, हेलमेट भूल गया। और पानी गर्म कर रही हूँ, नीचे है पानी गर्म कर रही हूँ, फिर तो घर समेटूंगी, फिर नीचे जाऊँगी लिविंग का काम करने। क्या इतना होय, देखा आप लोग, देखो हैंड्स प्रूफ। क्या हैंड्स प्रूफ? जब शादी हो जाता है सिर्फ बीबी होय खत्म नहीं होता है। शादी के पहले पता नहीं कैसा था, शादी के बाद होय ही खत्म नहीं होता। तो देखती हूँ अभी क्या करती हूँ, थोड़ा इसको समेटूंगी, रूम को थोड़ा सोफा वोफा ठीक करूँगी, हमारा रूम ठीक कर लिया है, फिर नीचे जाऊँगी कपड़ा बनाऊँगी, फिर जब हेल्पर आएंगे तब आऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी। तो बाद में मिलते हैं, देवर सो रहा है, खाना खा के दीदी कपड़ा धो रही है, तो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस आने के लिए रेडी हो गया है, खाना वाना खा लिया है, दीदी लोग रेस्ट कर रहे हैं दूसरे रूम पर। और लो पानी चाटू के ना बाय। पकला गिरे रेटों गया क्या रेनकोट? ऊपर से अभी आई हूँ कपड़ा सुखा के, और अब तक मैं बीबी का काम करने नहीं गई। वेदर थोड़ा ठीक है, मतलब बारिश नहीं दे रहा है, तो सोचा ये एक दो दिन का जो कपड़ा जमा हुआ है वो धो लूँ, तो धो के अभी चाय पी के अभी नीचे जाऊँगी बीबी का काम करने। एक दिन का काम ख़त्म, सिर्फ अभी हेल्पर का काम बाकी है, मेरा तो काम ख़त्म हो गया। तभी थक गई हूँ, सीढ़ी चढ़ते उतरते ही मैं थक जाती हूँ, तो अभी चाय पीते हैं। जब से मसाला बनाया है तब से मुझे इतना झंझट नहीं करना पड़ता है, अभी वो एक अच्छा हो गया। A few moments later. जब मैं शाम को जाती हूँ, मतलब जब कपड़ा नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही मैं ढक के रख देती हूँ बेडशीट से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। तभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत बना लूँगी। हम सभी लोग आए शॉपिंग। काफ़ी थक गई, फिर विशाल भी गए और उसको वैसे दाग खा के पराठा लेके आए, अभी खाएंगे पराठा, फिर डिनर बनाऊंगी। शाम से ही लगा हुआ है काम पे, ये दीदी लोग आए हैं मतलब बोल के, ये टेबल हाँ यहाँ शिफ्ट कर लिए हम लोगों ने, क्योंकि सिटिंग रूम में जगह कम है। आगे थोड़ा देर रेस्ट कर लिया, अभी पनीर का सब्ज़ी बनाऊंगी रात को, तो मैंने पनीर काट लिया, मटर छील लिया, इस तरह आलू काटना बाकी है, तो पनीर को फ्राई करते करते आलू भी काट लेंगे जो आप सभी को दिखाते हो। आज का पनीर बहुत ज़्यादा फ्रेश है, सुबह ही लाया है, तो सोचा जल्दी बना लो, क्योंकि अभी गर्मी का दिन क्योंकि बारिश दे रहा है, फिर भी ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, थोड़ा टेस्ट कैसा हो जाता है, तो सोचा आज से रात को ही बना लूँ, सुबह लाया है जो दिखाती हूँ आप सभी को। ये है पनीर,
ये मटर छील लिया है, ये तेल गरम हो रहा है, सिर्फ आलू काटना बाकी है। ये है हमारा पनीर का सब्जी, बनके रेडी हो गया है। फिर यहाँ है ये मछली का चटनी, ये दोपहर का थोड़ा रह गया था। फिर यहाँ है काकरोल, काकरोल का यहाँ से फर्मेंटेड फिश के साथ चटनी बनाया है। फिर एक चिल्ला में दूध बॉयल कर रही हूँ और सलाद काटना बाकी है। डिनर तो रेडी हो गया है, सिर्फ सलाद काटना बाकी है, वो तो प्लेट लगाते काट लूँगी। और आज तो ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बाहर से आते तो बहुत थक गई थी, तो इसीलिए एक आइटम बनाया। और उन लोगों को भी इतना खाने का मन नहीं था क्योंकि शाम को लेट से ही खाए, तो थोड़ी रेस्ट करेंगे फिर डिनर करेंगे। ये चॉप करने वाला हस्बैंड ने विशाल से लाया था, इसमें चॉप करके आज सलाद बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो 3 मिर्ची लिया है, 1 गाजर लिया है, 1 बीटरूट और 1 प्याज, और कुकुम्बर डालेंगे, वो थोड़ा बाद में डालेंगे अलग से क्योंकि अभी डालने से सब गल जाएगा मेरे हिसाब से। तो पहले इसमें इन सबको चॉप कर लेते हैं, मतलब देखती हूँ कैसा बनता है। ये विशाल से लिया है, जितना याद है 299 से लिया था शायद से। फिर भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मिडिल में ये थोड़ा ख़राब हो गया था, फिर हस्बैंड ने ठीक किया है, ये ज़्यादा लास्टिंग नहीं होगा। तो फिलिप्स या उषा वो सभी ठीक है, तो लेकिन कट तो गया है आज तक। तो मेरा सलाद भी रेडी हो गया, सिर्फ कुकुम्बर काटना और नींबू काटना बाकी है। खीरा देने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है कुकुम्बर देने के बाद। तो मैंने यहाँ पे प्याज दिया, बीटरूट, गाजर, गार्लिक 3-4 और ख़त्म। और ये एक नींबू। तो सलाद भी बना लिया है, सिर्फ खाना बाकी है अभी। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।